आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 59,79,197 पहुंच गया, जबकि पिछले 24 घंटे में 85,362 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,089 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 94,433 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 949 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,007 मरीज ठीक हुए हैं। तो लगातार तीसरे दिन संक्रमित से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार तीन दिन से संक्रमितों से ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 949 और लोग संक्रमित हुए, वहीं 1,007 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी दौरान 11 मरीजों की मौत हुई है। अब कुल मरीजों की संख्या 46,281 हो गई है, जिसमें से 34,649 ठीक भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 11,315 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि 949 लोग संक्रमित मिले। 1,007 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। देहरादून जिले में सबसे अधिक 295 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 178, अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 80, नैनीताल में 65, उधमसिंह नगर में 63, उत्तरकाशी में 59, पिथौरागढ़ में 48, चंपावत में 37, चमोली में 15, टिहरी में 12, रुद्रप्रयाग में 3 और बागेश्वर में 2 लोग संक्रमित मिले। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 2, मैक्स हॉस्पिटल में 5 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई। अब कुल मौत का आंकड़ा 566 हो गया है, जबकि प्रदेश में 10,856 केस एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 46,281 है, वहीं 10,856 केस एक्टिव हैं, जबकि 586 लोगों की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,467, बागेश्वर में 590, चमोली में 936, चंपावत में 725, देहरादून में 12,339, हरिद्वार में 8,907, नैनीताल में 5,683, पौड़ी गढ़वाल में 1,809, पिथौरागढ़ में 1,022, रुद्रप्रयाग में 651, टिहरी गढ़वाल में 2,151, उधमसिंह नगर में 8,152, उत्तरकाशी में 1,850। तो टोटल मामले 46,281 हो गए हैं। तो आज पर्यटन दिवस है, तो इसमें ऋषिकेश में राफ्टिंग शुरू हो गई है। तो लंबे इंतजार के बाद ऋषिकेश में शनिवार को गंगा में राफ्टिंग शुरू हो गई। गंगा में रंग बिरंगे राफ्टे उतरने से व्यवसायियों के चेहरे खिले। इसके अलावा राफ्टिंग से जुड़े दूसरे लघु व्यवसाय भी, पहले दिन हरियाणा दिल्ली से आए करीब 500 पर्यटकों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। अकाली दल आखिरी एनडीए से अलग हो गई, तो भाजपा से पुरानी दोस्ती टूटी। कृषि विधेयकों के विरोध में कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की व्यवस्था से आखिर भारत को कब तक अलग रखा जाएगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सवाल उठाया, आखिर कब तक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 130 करोड़ लोगों के देश भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की व्यवस्था से अलग रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत के लोग संस्था के सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रक्रिया कभी तार्किक अंत तक पहुँच पाएगी। बलूनी का कद बड़ा, भाजपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को भाजपा का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ड्रग्स मामले में करण जौहर के करीबी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। विधायक फर्तियाल को भेजा अनुशासनहीनता का नोटिस, तो 7 दिन में जवाब मांगा गया है। प्रदेश संगठन लेगा निर्णय। लक्सर में दरवाजे तक पहुंच रहे हैं मगरमच्छ, विभाग अलर्ट है। तो तालाब व नदी के पास छोटे बच्चों को न भेजने की अपील की गई है। शासन ने 3 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी के पदभार में बदलाव किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें चंद्रमोहन सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक और सीआईडी सेक्टर दून की जिम्मेदारी दी गई है। उपनल में अकुशल श्रेणी को खत्म करने की मांग की गई है। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर कर्मचारियों को अकुशल श्रेणी को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय कर्मचारियों की अर्धकुशल श्रेणी में शामिल किया जाए। सड़गुमन प्रकरण जांच अधिकारी ने तलब किए सभी दस्तावेज। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी सड़गुमन के मामले में जांच अधिकारी अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने विभाग से आउटसोर्स एजेंसी के चयन को लेकर के टेंडर प्रक्रिया के सभी दस्तावेज तलब कर लिए हैं।
मंत्रियों के सीआर लिखने के अधिकार में पेंच, तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सचिव और सचिव की सीआर लिखने के अधिकार का मामला उठाया तो पार्टी के कुछ मंत्रियों के साथ अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत भी समर्थन में कूद पड़े। उन्होंने भी मंत्री को सीआर लिखने का अधिकार देने की वकालत की है। तो आज पर्यटन दिवस है, तो 15% योगदान है उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन का। तो कोविड महामारी व लॉकडाउन ने प्रदेश में पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। अब पर्यटन और तीर्थाटन को पटरी पर लाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे पर्यटन कारोबार को लेकर के नई उम्मीदें जगी हैं। जल्द उभर जाएगा उत्तराखंड, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के कारण पिछले 6 माह से पर्यटन व्यवसाय में ठहराव आया है। राज्य सरकार ने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में बनेंगे महाभारत रामायण और सीता सर्किट। तो पौड़ी में सीता सर्किट के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। आज भी गुमनाम है वेसुडी ताल। तो रुद्रप्रयाग में मधमहेश्वर घाटी में सोन पर्वत पर तलहटी पर हरे भरे बुग्याल के बीच स्थित वेसुडी ताल ताल अपनी रचना और महत्व को लेकर के विशेष स्थान रखता है, लेकिन पर्यटन की अपार संभावनाओं को संजय यह ताल आज भी गुमनाम है। बन चुकी सड़क पर लागू नहीं होगा कोर्ट का आदेश। तो चारधाम परियोजना मंत्रालय की दिशा निर्देश से छट गया कुहासा। तो चारधाम ऑल वेदर रोड जितनी बनाई जा चुकी है उस पर न्यायालय का आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन परियोजना के जिस हिस्से में सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है वहां इसकी चौड़ाई 5.50 मीटर से अधिक नहीं होगी। ग्राम प्रधान 5 अक्टूबर को सीएम आवास करेंगे कुंज। तो ग्राम प्रधान संगठन ने 28 सितंबर तक पंचायतों से संबंधित समस्याओं का समाधान न होने पर 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर कूच करने का ऐलान किया है। कैंपस से 40,000 के रोजगार का हरीश रावत ने मांगा ब्यौरा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह कैंपस योजना के तहत 40,000 युवाओं को रोजगार देने की योजना का पूरा ब्यौरा सामने रखे। हरीश के मुताबिक कैंपा के फंड का उपयोग सिर्फ वनीकरण के लिए संभव है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कह रहे हैं कि कैंपा के पैसे का उपयोग दूसरे कामों में ना हो। ऐसे में सरकार किस आधार पर कैंपा से रोजगार देने का दावा कर रही है। यूपी राजस्थान व उत्तराखंड के बीच 100-100 बसें चलाने पर सहमति बन गई है। तो मुख्यमंत्री से मिला अनुमोदन, सोमवार तक एसओपी जारी हो करेगा परिवहन विभाग। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ उत्तराखंड के बीच 100-100 बसों के संचालन पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक परिवहन विभाग इस संबंध में एसओपी जारी कर देगा। 3 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंची विकास दर। तो अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने जारी किया अनुमान। तो कोरोना के असर से वित्त वर्ष 2020-21 में और गोते लगा सकती है अर्थव्यवस्था। तो 2019-20 में जो विकास दर थी वो 4.3 आंकी गई थी। रुद्रपुर से खबर आई, जहां पे कोरोना संक्रमित 3 कैदी समेत 4 फरार हो गए हैं। तो कोरोना संक्रमित होने पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराए गए सहजाप्ता 3 कैदी शनिवार तड़के बाथरूम की खिड़की से तोड़ करके फरार हो गए। हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं नेपाल के 160 जवान। तो काला पानी पर नज़र रखने के लिए नेपाल छांगरों ने अपने जवानों के लिए मकान बनवाएगा। इसके लिए नेपाल सरकार ने 10 लाख रुपए जारी किए हैं। बर्फबारी से बचने के लिए कमरों की छत को पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनाया जाएगा। इसी के साथ कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ में विज्ञप्ति निकाली गई है। तो इसमें अल्पकालिक शिक्षिका के 3 पद हैं जिनको यहाँ पर वेतन जो है 12,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसी के साथ रसोई की निकली है 2 वैकेंसी, जिसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 8,000 रुपये दी जाएगी। वहीं सपोर्ट स्टाफ की 1 वैकेंसी निकली हुई है जिसमें 10,000 तक सैलरी दी जाएगी। तो इसमें इसकी बात करें तो हम इसकी पूरी डिटेल आपको बता देंगे अलग से। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक अलग से चैनल की, तो वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो पूरी जानकारी वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे।
उत्तराखंड से मानसून की जल्द विदाई के आसार, तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार इसी महीने के अंत तक मानसून के राज्य से विदा हो जाने का अनुमान है। हालांकि एक दो दिन में इस परिस्थिति साफ होगी। वाहन चोरों के डीएल रद्द किए जाएंगे, तो केंद्र सरकार ने चोरी करने या यात्री का अपहरण करने वाले अपराधियों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। आईएमए के पास जाम से मिलेगी निजात, तो भारतीय सैन्य एकेडमी आईएमए की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को सुगम यातायात की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने प्रेमनगर स्थित सैन्य एकेडमी में दो अंडरपास टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। 28 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दोनों टनल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का पंजीकरण शुरू हो गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से शैक्षिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। पंजीकरण की के लिए 15 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मसूरी झील रोपवे खुलने से बढ़ेगा पर्यटन कारोबार, तो कोरोना की नई गाइडलाइन के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं मसूरी में अभी भी 15-20% होटल के साथ ही रोपवे ट्रॉली मसूरी झील कंपनी गार्डन के साथ ही सिनेमा हॉल बंद हैं। अगर ये सभी खुल जाते हैं तो पर्यटन कारोबार में गति आएगी। मरीज के मोबाइल पर पहुंचेगी कोरोना रिपोर्ट, तो स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को कोरोना जांच की रिपोर्ट मोबाइल फोन पर भेजने की व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में बनेगा लोक भाषा पुस्तकालय, तो श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय की ओर से गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए लोक भाषा पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। विधायक प्रकरण में दून पुलिस ने मसूरी के होटल से जुटाए सबूत, तो दुष्कर्म के आरोप में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। शनिवार को पुलिस टीम ने महिला के बयान के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। महिला के वकील ने दावा किया कि जांच के दौरान पुलिस टीम को जहां विधायक हॉस्टल में कमरा बंद मिला, वहीं मसूरी स्थित होटल में विधायक और महिला की एंट्री के सबूत मिले हैं। नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक महेश नेगी पर उन्हीं की इलाके की महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा महिला ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया। महिला ने विधायक हॉस्टल के कमरा नंबर 62 मसूरी स्थित होटल समेत विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म होने का आरोप लगाया है। शनिवार को विवेचन दरोगा आशा पंचम के नेतृत्व में पुलिस टीम सबसे पहले विधायक हॉस्टल पहुंची। महिला के वकील एसपी सिंह ने बताया कि यहां कमरा नंबर 62 बंद मिला। विवेक की व्यवस्था अधिकारी से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे जो उन्हें नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस टीम मसूरी स्थित होटल पहुंची, जहां टीम ने यात्रियों के नाम पते दर्ज होने वाले रजिस्टर चेक किए, जिसमें 1 दिसंबर 2018 को होटल पहुंचने की एंट्री होने के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने कमरा नंबर 204 और 212 का निरीक्षण किया। पुलिस ने मैनेजर के बयान भी दर्ज कराए हैं। माल देवता में कार खाई में गिरी युवक की मौत हो गई, तो कार सवार युवक देर शाम 7 बजे द्वारा गांव से रायपुर लौट रहे थे। भिलंग रोड पर खाई में गिरी कार में फंसा रहा एक युवक, तो माल देवता चौकी क्षेत्रांतर्गत अखंड वाली भिलंग रोड पर कार अनियंत्रित होकर के 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, 3 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ में युवक पर गुलदार ने किया हमला, तो चंडाक क्षेत्र में घास काट रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। गुलदार के हमले से युवक की नाक में गंभीर चोट आई है। ज्योति गुलदार उसे अपने स्वाग को बचा लाई, तो चंडाक में घटना के दौरान खेत में पति और पत्नी मौजूद थे। महिला के साहस को देख पति को छोड़ गया गुलदार। कोट द्वार के व्यवसायी ने बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाए 25 लाख रुपए, तो कोट द्वार के एक व्यवसायी दिलबाग सिंह ने दिल खोलकर बद्रीनाथ में भगवान को भेंट अर्पित किया है। झंडा चौक कोट द्वार के गढ़वाल ज्वेलर्स के दिलबाग सिंह ने भगवान बद्रीनाथ को 25 लाख रुपए की भेंट की है। सतपुली में पैराग्लाइडिंग टेस्टिंग हुई है, तो जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के नेतृत्व में सतपुली बाघाट में टेस्ट फ्लाइंग की गई। नयार घाटी में साहसिक टूरिज्म खेलों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को पुनः पैराग्लाइडिंग टेस्टिंग की गई है।
डीएलएड अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जाए, तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने एनआईयूएस के प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से चलाए जा रहे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की मांग की है। शनिवार लाए देहरादून के लिए दो खुशखबरियां, तो अब चकराता रोड पर नहीं रुकेगी ट्रैफिक। रक्षा मंत्री कल करेंगे आईएमए के दो टनल का वर्चुअल शिलान्यास, जबकि दून से मसूरी आसानी से पहुंच सकेंगे पर्यटक। रोपवे निर्माण के लिए भूमि चिन्हीकरण का काम शुरू हो गया है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पर जज यूपीएससीएल के निदेशक कोरोना संक्रमित मिले, तो जिले में कोरोना के 295 नए मामले सामने आए। वहीं मसूरी में 3 और कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि देहरादून से खबर है जहां पे कोर्ट परिसर के वरिष्ठ न्यायाधीश भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 90 वर्षीय मोली देवी ने कोरोना को मात दी है, तो कोरोना संक्रमण काल में जहां बहुत से लोग अपना कोविड टेस्ट करवाने से घबरा रहे हैं, वहीं 14 बीघा मुनि की रहती निवासी 90 वर्षीय मोली देवी ने कोरोना को हरा कर एम्स ऋषिकेश से घर वापसी की है। आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है, तो बिना अनुमति रैली निकालने और कोविड 19 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शहरवासी बताएंगे कैसे मिले साइकिलिंग को बढ़ावा, तो स्मार्ट सिटी की बैठक में सीईओ ने दी जानकारी। वेबसाइट पर फॉर्म भर करके दे सकते हैं सुझाव। अब बॉर्डर पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, तो आसारोड़ी चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिल रही है देहरादून में एंट्री। अब कोरोना के लक्षण दिखने पर ही हो रही है एंटीजन टेस्ट, तो दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश आदि जगहों से देहरादून आने वालों को बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। नारसंग बॉर्डर पर वाहनों में ही यात्रियों के पास पहुंचेंगे पीआरडी के जवान, जांचेंगे तापमान। तो देहरादून दिल्ली हाईवे से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को नारसंग बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए लाइन में लगना नहीं होगा। खुद पंजीकरण कर आने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। बॉर्डर पर तैनात कर्मचारी वाहनों में ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वहीं खबर आई है विकासनगर से लखनऊ से, जहाँ पे कलीम गैंग का कुख्यात शूटर शुभम गिरफ्तार हुआ है, तो 4 दिन पूर्व पुलिस अभिरक्षा से साथियों के संग फरार हो गया था। खबर है देहरादून से, जहाँ पे गौशाला से पकड़ा गया अजगर, तो राजधानी से सटे नवादा में शनिवार को गौशाला में घुसे अजगर को लेकर के हड़कंप मच गया। देहरादून से खबर है, जहाँ पे 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट लैब की जाँच पूरी, तो जिले की प्राइवेट लैब को लेकर के सीडीओ नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने शनिवार को अपनी जांच पूरी कर ली है। एक दो दिन के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देगी। खबर है ऋषिकेश, जहां पे गंगा में डूबा युवक 3 को बचाया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 41 हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है और 29 सितंबर तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में, तो इसमें टोटल पद यहां पर 10 हैं और इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो यहां पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर दी गई है और 1 अक्टूबर को यहां पर साक्षात्कार होगा, तो साक्षात्कार के द्वारा ये पोस्ट भरे जाएंगे। वहीं इंडियन काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद 141 हैं, तो साइंटिस्ट बी और मेडिकल नॉन मेडिकल की यहां पे वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो गेट की वैकेंसी निकली हुई है, तो अंतिम तिथि नज़दीक है, जल्द करें आवेदन। तो BE, BTech, बी फार्मा, बी आर्क, MBBS, MSc, MA इत्यादि के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 रखी गई है, तो जल्द ही यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। गंगा में उतरे रंग बिरंगी राफ्ट, कारोबारियों के चेहरे खिले, तो पर्यटकों की संख्या घटी, रेट वही है। तो लंबे समय के इंतजार के बाद तीर्थनगरी में शनिवार को गंगा में राफ्टिंग शुरू हो गई है। कुछ पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा, तो कहीं हलचल बढ़ गई है, तो सहजधारा भी यहां पर खुल गया है। इसके अलावा गुच्चूपानी, माल देवता, जॉर्ज एवरेस्ट, बुद्ध टेंपल, लच्छीवाला, ये सभी जो पर्यटक स्थल हैं ये खोल दिए गए हैं।
डीडी कॉलेज में 5 अक्टूबर तक एडमिशन का मौका। तो गढ़ी कैंट स्थित डीडी कॉलेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 5 अक्टूबर तक प्रवेश का मौका है। रोजगार की आस में एनसीएस पोर्टल का रुख। तो कोरोना संकट काल में रोजगार एवं करियर काउंसलिंग से जुड़ा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का महत्व बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते नौकरी गंवाने वाले युवा अब एनसीएस पोर्टल का सहारा ले रहे हैं। पोर्टल की मदद से सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तलाश की जा रही है। अनशनकारी 2 महिलाओं की हालत बिगड़ गई है। तो खबर है देवप्रयाग से, जहां पे वेतन भुगतान का लिखित आश्वासन मिलने की मांग पर अड़े संविदा कर्मी डिप्टी सीएमओ के अनुरोध को ठुकराया है। वहीं खबर आई है, वेतन न मिला तो निगम कर्मी करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की है। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म, कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे 76 वर्षीय वृद्ध को हायर सेंटर ले जाते समय एम्बुलेंस में मौत हो गई। वृद्ध के परिजनों ने रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म होने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, जहां पे यात्रा पर लौटे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पे एसएसबी के 22 जवानों समेत 80 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं सेंटर में भर्ती मरीजों ने की सफाई न होने की शिकायत। तो नई टिहरी से खबर आई है, मालिक की जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया कुत्ता। तो कर्णप्रयाग थराली से खबर आई है, जहां पर थराली तहसील के सोलपट्टी के सबसे दूरस्थ गुमड़ गांव में एक कुत्ता मालिक की जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया। पालतू कुत्ते ने भालू से न सिर्फ अपने मालिक की जान बचाई बल्कि भालू के साथ भिड़कर उसे भागने पर मजबूर भी कर दिया। हेमकुंड साहिब में जियो की संचार सेवा शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तो शनिवार को बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि बद्रीनाथ धाम परिसर व आसपास बारिश हुई। बीते वर्ष नवंबर माह में धाम की चोटियों पर बर्फबारी हुई थी। इस बार एक माह पहले ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। मंडुआ व झंगोरा खरीदेगी सरकार। तो 2000 प्रति क्विंटल मंडुआ और 2500 रुपये प्रति क्विंटल झंगोरा खरीदेगी सरकारी समितियां। खबर है घनसाली टिहरी से, जहां पे पति सास और ससुर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बलेश्वर कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे युवक की मौत के मामले में एक पर केस दर्ज किया गया है। जीजा पर बहन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तहरीर दी गई है। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे घाट तहसील के अंतर्गत कुमजुग गांव के हरिश्चंद ने अपने जीजा पर बहन की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और नायब तहसीलदार को तहरीर दी है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुरोला से खबर है, जहां पे अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। नई टीवी से खबर है, जहां पे साहसिक खेल अकादमी में जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण। तो आईटीबीपी के अधिकारी 29 को करेंगे खेल अकादमी का निरीक्षण। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो उत्तराखंड आना अब और भी आसान, बॉर्डर पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। तो थर्मल स्क्रीनिंग और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। रोडवेज की 22 बसों को चलाने का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। तो हरिद्वार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के संचालन की तैयारी चल रही है। 28 सितंबर से बसों के संचालन की उम्मीद है। हर की पेड़ी पर गंगा में कूद गई महिला। तो हर की पेड़ी में सीसीआर टावर के पास से देर शाम एक महिला ने गंगा में छलांग लगा लिया। लोगों ने महिला के बहते पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाली पुलिस ने जल पुलिस की मदद से गंगा में सर्च अभियान चलाकर घंटों महिला की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। शुगर से पीड़ित कोरोना मरीज का रखें खास ध्यान। तो दिल्ली से आई केंद्र की टीम ने कोविड केयर सेंटरों में मरीजों के बारे में जानकारी ली है। वहीं रुड़की से खबर, जहां पे सिपाही समेत 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुंभ से पहले खाली कराया जाएगा ट्रांजिट ग्राउंड। तो मेला प्रशासन ने किया कंपोस्ट प्लांट का निरीक्षण।
अस्थायी जेल से फरार शूटर शुभम पवार दून में गिरफ्तार हुआ है तो आरोपी पर घोषित था 2500 का इनाम। फरार 8 बंदियों में से 7 पकड़े गए हैं। दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश की हाथरस में अनुसूचित जाति की युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में धर्मनगरी के समाज के लोगों में भी उबाल आ गया है। लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। बच्चों की पढ़ाई से स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता तो शिक्षा मंत्री, तो कोरोना संक्रमण के सामान्य होने पर खुलेंगे स्कूल, तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना ने देश में हालत बिगड़ रही है, ऐसे में पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, हालत सामान्य होते ही स्कूलों को खोला जाएगा। छीनते समय छात्र की उत्तर पुस्तिका फटी, तो खबर आई हरिद्वार से, जहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र गरीबदासी साधु संस्कृत महाविद्यालय में टाइम पूरा होने पर परीक्षक की छीनते समय छात्र की परीक्षा कापी फट गई। यह मामला 22 सितंबर का बताया जा रहा है। छात्र की आपत्ति के बाद भी पूरे मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो विकास का सच देखिए हुजूर, कैसी कैसी मुसीबत झेल रहे हैं हम, तो मरीजों को चारपाई और डोली में लाने की व्यवस्था। तो भीमताल नैनीताल से खबर आई, जहां पे ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम सभा कुगना में आज भी लोग मरीजों को चारपाई डोली कुर्सी आदि के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाने को मजबूर हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे नीतीश की थी नहर में मिली लाश, तो मुखानी थाना क्षेत्र में बच्ची नगर गांव में नहर में मिले शव की शिनाख्त विक्टोरिया नंबर 1 निवासी 40 वर्षीय नीतीश नेगी के रूप में हुई है। पार्किंग फुल, होटल में एडवांस बुकिंग। तो नैनीताल से खबर आई है, जहां पर कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगी प्रतिनिधि के हटने के साथ ही नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों में अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। 2 अक्टूबर से लगातार 3 छुट्टी होने के कारण नैनीताल के कई होटल में सैलानियों ने एडवांस बुकिंग करा ली है। दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी रोडवेज की 35 बसें, तो नैनीताल मंडल की ने तैयारी कर ली है, 1 या 2 दिन में निर्धारित हो सकेगा किराया। जमरानी कॉलोनी में बंदरों का आतंक, तो जमरानी कॉलोनी में कटखने बंदरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। दवाई से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत, तो अपने को खाने का दुख और आखिरी बार नहीं मिल पाने की टीस करती है परेशान, काउंसलिंग करते हैं मदद। तो खबर है हल्द्वानी से, शादी समारोह में 400 लोगों को मिले अनुमति, तो विवाह समारोह व्यापार समारोह संघर्ष समिति ने बैंड बाजे के साथ बुद्ध पार्क में धरना दिया। आईटीआई नए सत्र में बढ़ गए 8 गुना फीस, तो प्रदेश भर में आईटीआई के नए सत्र में 8 गुना फीस बढ़ा दी गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो आतंक मचा रहा तेंदुआ, आदमखोर घोषित, तो मारने के लिए मेरठ से आएंगे मशहूर शूटर सैयद बिन अली। तो गौरंग घाटी के छाना पांडे में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को आदमखोर घोषित किया जा चुका है, उसे मारने के लिए मेरठ के मशहूर शूटिंग खिलाड़ी सैयद बिन अली यहां आएंगे। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे नौला में मिला घायल तेंदुआ, तो शीतला खेत के नौला में शनिवार सुबह और शाम को एक तेंदुआ घायल अवस्था में दिखने से गाँव में दहशत फैल गई है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे पहले हुई तेंदुए के हमलों की घटना है, तो गौरंग घाटी में तेंदुए के हमले की यह दूसरी घटना है। वहीं खबर है चंपावत से, जहाँ पे मेरी लड़ाई व्यक्ति नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमजोर नहीं होगी आवाज, तो विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की 2 टुक, अभी नहीं मिला नोटिस, नोटिस मिलने पर दूंगा जवाब। आईटीआई कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, तो पदोन्नति समेत 6 सूत्री मांग को लेकर के काला फीता बांधकर कर रहे हैं विरोध। आधार कार्ड से निकाल सकेंगे रुपए, तो कस्बे में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र खुल गया है। तो झूलाघाट से खबर आई है, इसी के साथ खबर है चंपावत से, जहां पे सड़क के लिए खेती खान से निकली पद यात्रा का चंपावत में समापन किया गया।
साइकिलिंग से 2060 किलोमीटर की दूरी तय कर असम से अल्मोड़ा पहुंचा जवान। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे महत गांव निवासी वायुसेना के जवान ने साइकिलिंग से तय किया सफ़र। 13 सितंबर को तेजपुर से शुरू की थी यात्रा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 30 सितंबर तक होंगे प्रवेश। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 30 सितंबर तक प्रवेश होंगे। वही खबर आई है अल्मोड़ा द्वारा हाट से, जहां पे जीवानंद ने उगाई 3-3 किलो की मूली। तो दुनागुरी के बजोली निवासी जीवानंद जोशी ने खेतों में 3-3 किलो वजनी मूली का उत्पादन किया है। खबर है बागेश्वर से, जहां पे बुधवार तक रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला तो कैसे करोगे अल्ट्रासाउंड। तो जिला अस्पताल है बागेश्वर में अल्ट्रासाउंड कर रहे सीएमएस 30 सितंबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। खबर है बागेश्वर से, जहां पे 100% सैंपलिंग करें। तो डीएम विनीत कुमार ने अधिकारियों को कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बाहरी क्षेत्रों और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से आए और संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को 100% सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा में भंडारण की व्यवस्था नहीं तो कोल्ड स्टोर नहीं होने से औने पौने दाम में फल सब्जी बेचने को मजबूर है किसान। ड्यूटी करने के बाद भी 3 माह से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई गई है। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद अल्मोड़ा शाखा का अधिवेशन और चुनाव संपन्न हुआ, गोविंद बने शाखा अध्यक्ष। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शनिवार को परिषद निदेशक प्रोफेसर नीरज तिवारी के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजकर इस सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कोविड सेंटर से कोरोना संक्रमित 3 कैदियों समेत 4 फरार हो गए। पंत विश्वविद्यालय पीजी की प्रवेश परीक्षा निरस्त। तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी में आई दिक्कत, पीएचडी और एमसीए की आज होने वाली प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शनिवार को ऑनलाइन मोड में आयोजित पीजी की 2 पालियों में कराई गई प्रवेश परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। साथ ही रविवार को होने वाली एमसीए और पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे 136 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फरार कोरोना संक्रमित आनंद और गौरव हत्या में है दोषी। तो सितारगंज सेंट्रल जेल में बंद जौनपुर जिला बजंग नेपाल निवासी 31 वर्षीय देवेंद्र धानुक उर्फ दीपक पुत्र हरि बहादुर को एनडीपीसी एक्ट में 10 साल की सजा मिली है। दो सदस्यीय टीम करेगी जेई की फर्जी डिग्री से नियुक्ति के मामले की जांच। तो शिक्षा विभाग और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया गया है। वही खबर रही है पंतनगर से, जहां पे स्मैक के साथ बीटेक के छात्र सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश को आवेदन नहीं कर सके कई विद्यार्थी। तो स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की मांग को लेकर शनिवार को छात्र संघ पदाधिकारियों ने डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से छात्र छात्राओं के हित में जल्द पोर्टल खोलने व आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। तो जसपुर से खबर है, जहां पे सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन ने सचिव साई कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कॉलेजों के प्रबंध नैनीताल जाकर कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति से मिले। उन्होंने बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 1 सप्ताह तक पोर्टल खोलने का अनुरोध किया। खबर आई रुद्रपुर से, जहां पे मेस सुपरवाइजर और पत्नी को पीटा, पिता पुत्र सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो घर के सामने पानी का पाइप डालने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। जिले में 2000 लोगों की रोजाना जांच सुनिश्चित की जाए, तो डीएम ने आदेश दिए हैं। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे डीएम रंजना राजगुरु ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में कोविड-19 को लेकर के गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ली। रुद्रपुर डिपो की 5 बसें दिल्ली रूट पर चलेंगी। तो परिवहन मुख्यालय ने अभी सभी डिपो से दिल्ली रूट के लिए बसों की सूची तैयार की है।